गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज साई सर विद योर इंग्लिश क्लासेस. स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रीड इट्स लास्ट पैसेज ऑफ दिस, आई थिंक सेकेंड लास्ट पैसेज ऑफ दिस लेसन. तो एवरी स्टूडेंट शुड बी कॉन्सेंट्रेटली लिसन एंड अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी. So let's see, today we have start from that point where we have left it last time. When when will Rube wake up now? Rube ab kab utha? At 3:15. Yani 3 ke quarter mein he got up, wo utha and put on his cloth aur apne kapde pehne. ही क्रैप्ट डाउन स्टार. क्रैप्ट मतलब उसे रेंगना होता, लेकिन वो धीरे धीरे से डाउन स्टेयर सीढ़ियों से नीचे सरका उतरा. केयरफुली ऑफ द क्रेकी बोर्ड्स एंड लेट हिमसेल्फ आउट. क्रेकी का मतलब होता है चरचराहट की जो आवाज़ निकलती एक तरह से. वो कह रहा कि ऐसे जो बोर्ड्स थे, जो चरचराहट करने वाले बोर्ड्स थे, वहाँ से वो धीरे धीरे नीचे की बड़ी सावधानी पूर्वक, ताकि उसके फादर जो हैं वो जाग ना जाएं, इसलिए वो नीचे आया एंड लेट हिमसेल्फ आउट और अपने आप को बाहर कर लिया. द बिग स्टार हंग लोअर ओवर द बार्न रूफ. जो एक बड़ा स्टार था, तारा था, वो हल्का सा लटका हुआ था, झुका हुआ था उस खलिहान की छत के ऊपर. ए रेड इज गोल्ड, और एक लाल रंग का सोना की तरह. द काउज लुक्ड एट हिम. गाय जो थी वो उसकी तरफ देख रही थी. स्लीपी एंड सरप्राइज. स्लीपी एंड सरप्राइज, आश्चर्यचकित होते हुए. इट वॉज अर्ली फॉर देम टू. क्योंकि ये आज बहुत जल्दी था, जिस समय उनको उनका दूध निकाला जाता है या उनको खाना डाला जाता है, उससे बहुत जल्दी था वो. इसलिए जो गाय थी वो थोड़ी ऊँगती हुई, यानी स्लीपी और सरप्राइज होते उसकी तरफ देख रही थी. He smiled thinking about his father and milked steadily. वो मुस्कुराया, अपने पिता के बारे में सोचा और उसने दूध निकाला. The task went more easily than he had ever known it to before. ये जो काम था ये आसान था उससे ज़्यादा कि जितना वो जानता था पहले. Milking for once was not a chore. मिल्किंग यानी दूध निकालना एक घर का काम नहीं था. यानी दूध निकालना कभी घर का काम नहीं होता था. इट वॉज समथिंग एल्स, बट ये कुछ था, ए गिफ्ट टू हिज फादर. और ये जो था उन्होंने जो काम किया था वो सिर्फ अपने पिता को एक गिफ्ट देने के लिए किया था. हु लव्ड हिम, जो उसे प्यार करता था. He finished, उसने इसको ख़त्म किया. The two milk cans were full, और दो दूध की कैन जो थी वो भर गई दूध से. He covered them, उसने उनको ढक दिया. And closed the milk, और दूध को बंद कर दिया. House door carefully, और घर का दरवाज़ा बंद किया बड़े सावधानी से. Making sure of the latch, और बड़ी सावधानी से ये श्योर हो गया कि उन्होंने कुंडी को लगा दिया है. लैच मतलब कुंडी होती है, जो जो बटन होती है. He put the stool in its place by the door and hung up. उसने स्टूल को उस अपने स्थान पर रखा और डोर को बंद कर दिया. And hang up the clean milk pail. और मिल्क पेल को उन्होंने कुंडी के ऊपर ऐसे लटका दिया. Then he went out of the barn. और तब वो उस खलिहान से बाहर आ गया. And buried the door behind him. और अपने पीछे उस दरवाजे को बंद कर दिया उन्होंने. बैक इन हिज रूम, और वापस अपने कमरे में आ गया. ही हैड ओनली अ मिनट टू पुल ऑफ हिज क्लॉथ इन द डार्कनेस एंड जंप इन टू बेड. अभी उसे मुश्किल से एक मिनट ही हुआ था कि उसने अंधेरे में अपने कपड़े उतार के और बेड पर जंप मारा लेटने के लिए दोबारा. फॉर ही हियर्ड हिज फादर अप. तभी उसको कुछ सुनाई दिया कि उसके पिताजी जो थे वो खड़े हो गए हैं, उठ गए हैं, जाग गए हैं. रूब हिज फादर कॉल, उसके पिता ने आवाज़ लगाई. रूब वी हैव टू गेट अप, हमें उठना है. सोन वी हैव गेट
वी हैव टू गेट अप सन, बेटा हमें उठना है इवन इफ इट इज ए क्रिसमस डे, क्योंकि आज क्रिसमस डे है। ओ राइट ही सेड स्लीपली, ओ उसने कुछ ऊँघते हुए कहा, ओ ठीक है। द डोर क्लोज्ड, दरवाजा बंद था, एंड ले स्टिल, वो अभी भी लेटा हुआ था, लाफिंग टू हिमसेल्फ, और अपने आप पर हंस रहा था। इन जस्ट ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, हिज फादर वुड नो, उसके पिताजी जान गए। द मिनट्स वर एंडलेस, और वो मिनट उसके लिए कभी ख़त्म ना होने वाली थी। 10, 15, 10, 15, ही डिड नॉट नो हाउ मैनी, वो नहीं जानता था कि कैसे। देन ही हियर्ड हिज फादर्स फुटस्टेप, और तभी उसे अपने पिता के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। दोबारा, द डोर ओपन एंड ही ले स्टिल, दरवाजा खुला और वो अभी भी लेटा हुआ था। रोब, उसने कहा, रोब, उसने, यस डैडी, उसने कहा, हाँ पिताजी। हिज फादर वॉज लाफिंग एक्र सॉबिंग शॉर्ट ऑफ लाफ, उसके पिताजी हंसे, थोड़े से सुस्कियाँ लेते हुए, हल्की शॉर्ट, तेज ऐसे हंसते हैं ना फटफड़ा लगाकर, शॉर्ट ऑफ लाफ। थॉट ही हैड फूल मी, डिड यू, यद्यपि तुम मुझे मूर्ख समझ रहे, तुमने ऐसा किया। हिज फादर वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिज बेड, उसके पिताजी अभी खड़े हुए थे साइड में, उसके बेड के साइड में, फीलिंग फॉर हिम, महसूस करते हुए उसकी, पुलिंग अवे द कवर, और उसके उसको जो चादर उसने ओढ़ रखी थी उसको हटाते हुए, खींचते हुए। इट इज़ फॉर क्रिसमस डे डैड, आज उसने क्या कहा, पिताजी आज क्रिसमस डे है। उसने कहा, सन, थैंक यू, शुक्रिया, नोबडी एवर डिड ए नाइसर थिंग्स, कोई नहीं जानता एवर डिड ए नाइसर थिंग, इस खूबसूरत चीज़ के बारे में। ओ डैड, उसने कहा, ओ पिताजी, आई वॉन्ट यू टू नो आई लव यू, मैं जानता हूँ पिताजी, आई वॉन्ट टू यू नो, मैं जानना चाहता हूँ, आई लव यू, कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ही डिड नॉट नो वट टू से, वो नहीं जानता था कि वो क्या कहे। हिज हार्ट वॉज ब्रेस्टिंग विद लव, उसका जो दिल था वो प्यार के लिए फूट गया था। तो बेटा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे लास्ट पैसेज बचेगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।